शाहजहांपुर के मीरानपुर कटरा कस्बा के मोहल्ला बिल्लीगंज में बृहस्पतिवार दोपहर करीब 3 बजे बच्चों को लेकर जा रही स्कूली वैन को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में एसएसडीएम स्कूल के 9 बच्चे घायल हो गए। एक बच्चों की हालत गंभीर होने की वजह से उसे बरेली रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि वैन 13 बच्चों को लेकर स्कूल से चली थी। मोहल्ला बिल्लीगंज में 4 बच्चों को उतारने के बाद वैन आगे बढ़ी। लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर ओवरटेक करते समय ट्रक ने पीछे से वैन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही चीख पुकार मच गई। इस दर्दनाक हादसे में वैन में सवार 9 छात्र-छात्राएं घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जबकि एक बच्चे की हालत गंभीर होने पर उन्हें बरेली रेफर कर दिया गया। आसपास के लोगों ने ट्रक चालक को पकड़ लिया, उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। देखिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए अजय त्रिवेदी की रिपोर्ट। कटरा कस्बे में स्टेशन रोड पर स्थित स्कूल एसएसडी मेमोरियल के बच्चे थे जो छुट्टी के बाद घर जा रहे थे, मारुति ओमनी वैन से जा रहे थे। 9 बच्चे थे। इसी दौरान एक ट्रक ने पीछे से तेजी व लापरवाही से चलाते हुए वैन में टक्कर मारी, फिर 9 बच्चे घायल हो गए। एक बच्चा इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ, उसका इलाज हेतु बरेली में सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अभी उसकी स्थिति ठीक है। शेष बच्चों का उपचार शाहजहांपुर जिला अस्पताल में चल रहा है। सभी की स्थिति ठीक है। ट्रक और ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है और अग्रिम मैदानी कार्रवाई कराई जा रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।